बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाई टीवी के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन आपके खिदमत पे हाजिर हूँ। मैं आप जानते हैं न्याज वालम। अजनब, पाकिस्तान की मेंस एंड विमेंस दोनों क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हो गया है। आपको इल्म है कि पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है न्यूजीलैंड की टीम मर्दों की, और खवातीन की वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए आ रही है। पाकिस्तान की खवातीन का कैंप जो है वो माह रमजान में कराची में हो रहा था, और जहां एक नाखुशगवार वाकया भी हुआ कि जिसमें खिलाड़ी चाय पीने के लिए अफ्तार के बाद जा रही थी और उनकी कार को हादसा हुआ था जिसमें बिस्मा मारूफ जख्मी हुई थी और उनके साथ एक हमारी स्पिनर जो हैं वो भी जख्मी हुई थी। और अब वो इस वजह से बिस्मा मारूफ की जो स्क्वाड में शिरकत है वो भी फिटनेस से मशरूफ कर दी गई है, और जो दूसरी प्लेयर हमारी जख्मी हुई थी वो उनको रेस्ट किया गया और वो उनको शामिल ही नहीं किया गया। तो स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान का हस्ब मामूल वही अनाउंस किया गया है जिसकी कि हम इससे पहले भी बहस कर रहे थे, और मैंने इस पर बड़ी शिद्दत से जो है वो जोर दे के कहा था कि उस्मान खान को हरगिज़ पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं करना चाहिए। जो एक प्लेयर ख़ुद अपने मुंह से, वो चाहे सिस्टम में उसके खिलाफ कुछ हुआ और वो छोड़ के मुल्क चला गया, वो दूसरे मुल्क चला गया, वहाँ जाके वो क्रिकेट खेलने लगा, वहाँ की बोर्ड के साथ वो मुंसलिक हो गया, उसका एग्रीमेंट हो गया, और फिर उसने बरमला उसके जो है वो वीडियोस मौजूद हैं कि जिनमें उसने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाफ, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद करेगा, पाकिस्तान की टीम में खेलना नहीं चाहेगा। मैं उस्मान खान की बात कर रहा हूँ जिसने कि PSL में अपनी बैटिंग से मुतासर किया। यकीनन वो एक बहुत ही आला बैट्समैन साबित हुआ है, और मैंने PSL के दौरान भी अपने इसी प्रोग्राम में इसी प्लेटफॉर्म से उसकी बारहा तारीफ की थी कि यकीनन वो एक टेक्निकल बैट्समैन है। उसने बड़ी जारहाना इनिंग्स के लिए हमारे पाकिस्तान सुपर लीग की तेज तरीन सेंचुरी 36 बॉल्स पर की हुई है उस्मान खान ने, जो कि लास्ट 2023 के PSL में की थी पाकिस्तान सुपर लीग में। और इस वक्त अब PSL में जो नुमायाँ स्कोरर्स थे उनमें वो रहा, उसने 2 सेंचुरियाँ की। ये भी एक उसने जो है वो कमाल किया कि बाबर आजम के होते हुए और रिजवान के होते हुए पाकिस्तान की इज्जत और हुर्मत का उसमें जो है वो उसने पास नहीं रखा। तो उस्मान खान जो है उनको मुखालफत के बावजूद उस्मान खान को शामिल किया गया है। और इसके साथ इरफान खान न्याजी भी पहली बार, वो भी PSL की परफॉर्मेंस पे जो है उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया। इस पर भी अहमद शहजाद का एक कमेंट जो है उन्हें यहाँ कोट करना ज़रूरी समझता हूँ। और बरमला कहा उसने, और बजा कहा है अहमद शहजाद ने, कि किसी भी प्लेयर को सिर्फ एक परफॉर्मेंस पर जो है वो शामिल नहीं कर लिया जाना चाहिए किसी भी कौम की नुमाइंदगी के लिए, कौमी टीम की नुमाइंदगी के लिए। मुझे याद है मंसूर अख्तर सालहा साल पाकिस्तान में बैटिंग में टॉप करते रहे, मगर जब वो कुंदन बन गए तब उनको पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया। साजिद अली बारहा वो जो है सालहा साल तक जो है वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप करते रहे, मगर एक वक्त जब आया देखा कि हाँ अब इसको जो है मौका मिलना चाहिए, तब उन्हें मौका दिया गया। इसी तरह से इंजमामुल हक पाकिस्तान में टॉप करते रहे कई साल, लेकिन जब एक वक्त लगा कि हाँ अब ये मैच्योर प्लेयर हो गया है, तब उनको मौका दिया गया। हालांकि जब उन्हें मौका दिया गया तब भी वो लगता था कि मैच्योर नहीं, और अक्सर रनआउट जो है वो खुद होते थे या किसी साथी प्लेयर को करवा देते थे। तो ये एक मैच्योरिटी का सवाल है, किसी भी प्लेयर को एक परफॉर्मेंस पर या एक सीज़न की परफॉर्मेंस पर नहीं जो है वो कौमी टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत आसान जब हो जाता है इस तरह से, फिर खिलाड़ी में एक बात आ जाती, जब तक मेहनत ना की हो तो आपको कोई मकाम अगर मिल जाए आपको कदर नहीं होती उसकी। अगर आप उस भट्टी में बार बार जो है वो झोंके जाएँ तब आप कुंदन बन जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि कितनी मेहनत से, कितनी मशक्क़त से मैंने ये मकाम हासिल किया, तो फिर आप उस पर साबित कदम रहने के लिए तगोदौ करते हैं। भारत में आपके लिए स्क्वाड जो ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि 18 अप्रैल से शुरू हो रही है, पिंडी में 3 मैचेस इब्तदाई होंगे और बाद में 2 मैचेस जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे। तो उसके लिए जो टीम अनाउंस की है उसमें बाबर आजम कप्तान हैं, शाइम अयूब हैं, उनके साथ रिजवान हैं, उस्मान खान हैं, फ़ख्र जमान हैं, इफ्तखार अहमद हैं, आज़म खान, ये भी एक जो है वो ऐसा सिलेक्शन है कि जिस पर बात हो सकती है। आज़म खान मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के लिए एक नाम मौजूद प्लेयर हैं, रस्सा कशी के लिए तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं, बेशक उन्हें कप्तान भी कर दें आप रस्सा कशी की टीम का, लेकिन क्रिकेट में और वो भी विकेट कीपर,
तो मेरा ख्याल है कि ये भी किसी आपने विकेट कीपर का जो है वो हक मार दिया है। तो आज़म खान को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। इरफान खान न्याजी हैं, शादाब खान हैं, शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, जमान खान हैं, अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम की वापसी हुई है। ये भी हमें देखना है इस सीरीज़ में कि ये प्लेयर जो हैं क्या ये कुशादा दिल्ली से इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है बाबर आजम की कप्तानी, और फिर अम्माद और आमिर की वापसी, ये भी एक ऐसा आंसर है कि जिसको इस सीरीज़ में बड़ी गौर से जो है इसको चेक करना पड़ेगा, इसे बगौर इसका जो है हमें मुआयना और जायज़ा लेना पड़ेगा। फिर उसामा मीर और अबरार अहमद, ये दो स्पिनर जिनमें टाई पड़ी हुई थी, और फिर बात आ जा चुकी ये डोमेस्टिक और हमारी होम सीरीज़ है, तो इस वजह से गालिबा दोनों को ही मौका दिया गया है। और पांच प्लेयर जो हैं वो रिज़र्व रखे गए हैं, और उनमें जो मेरे लिए हैरान कुन हैं प्लेयर्स, वो एक सलमान अली आगा हैं और एक मोहम्मद अली हैं। मोहम्मद अली ने इकनॉमी भी बड़ी अच्छी रही उनकी, और टॉप किया उन्होंने PSL में, इससे पहले भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हमारा डोमेस्टिक में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो शामिल किया गया था पाकिस्तान की टीम में, अब वो रिज़र्व में चले गए हैं। इसी तरह से सलमान अली आगा, उन्होंने साबित किया है हर फॉर्मेट में, टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी, उन्होंने साबित किया है कि वो इस काबिल है कि उसे हर जो है फॉर्मेट पे उसे मौका दिया जाना चाहिए। वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का अहल साबित हो चुका है, मगर उसको रिजर्व में रख दिया गया है, और किसको उसकी जगह डाला गया है ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में आने वाली बात नहीं है फिलहाल। इसी तरह से वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी को उस पर फौकियत दी गई है, जबकि वसीम जूनियर जो हैं वो तजर्बाकार भी हैं, और फिर बॉलर भी अच्छा है, हैंडसम स्मार्ट बॉलर है, इसके साथ बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर। T20 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ऑलराउंडर जो है वो चाहिए होता है, लेकिन अब्बास आफरीदी को फौकियत दी गई है शायद उमर गुल का भतीजा होने की वजह से या जो भी है, पर इसके साथ जो है ये टीम जो अनाउंस की गई है, चूँकि न्यूजीलैंड की टीम भी जो आई है आने वाली है, वो भी एक समझ लीजिए कि उनकी कोई तीसरे दर्जे की टीम है, क्योंकि उनके जो बेस्ट ऑप्शनल प्लेयर्स थे जो उनके टीम की नुमाइंदगी करते रहे, जिनमें केन विलियमसन, ग्लैन फ्लिप्स और कॉनराय वगैरह, ये तमाम ट्रेंट बोल्ट और सोडी वगैरह, इस सोडी तो शायद आ रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट वगैरह जो है वो इसमें नहीं है, और वो IPL खेल रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, और इंडियन प्रीमियर लीग में उनकी क्या इज्जत हो रही है कि वो प्लेयर्स जो है उनमें से बेशतर महज पानी पिलाने के लिए जो है उन टीमों में वहाँ शामिल हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्मिंग आवाज़ पर लबैक नहीं कहा। तो ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी इस पर ज़रूर सोच और गौर करना पड़ेगा। और उसके बाद में जनाब ख्वातीन की टीम जो वेस्ट इंडीज़ की टीम हमारे आ रही है, ये 18 से 23 अप्रैल तक 3 वनडे कराची में ही होंगे नेशनल स्टेडियम में। ये जो 3 वनडे हैं ये ICC की विमेंस चैम्पियनशिप का हिस्सा हैं, तो ये पहले जो है ये 3 मैचेस जो है वनडे के होंगे, और उसके बाद में 5 T20 मैचेस हैं, जो कि तमाम के तमाम 8 के 8 मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम में होंगे। इसमें जो टीम अनाउंस की है सेलेक्टर्स ने, उसमें निदा डार कप्तान हैं, आलिया रियाज हैं, आयशा जफर हैं, बिस्मा मारूफ हैं, जो मैंने पहले आपको कहा कि उनकी फिटनेस जो है वो देखनी पड़ेगी, अगर वो फिट हुई 100% तब वो इस सीरीज़ का हिस्सा होंगी। डायना बेग, फातिमा सना, गुलफिरोज़ा, मुनीबा अली, ये विकेट कीपर हैं, इनके साथ नजीहा अलवी जो हैं ये दो विकेट कीपर जो हैं बैटर्स रखी गई हैं, नशरा संधू हैं, नतालिया परवेज़ हैं, रामीन शमीम हैं, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन और तूबा हसन। आलिया रियाज का आपको मालूम है गुज़िश्ता दिनों उनकी मंगनी हुई है हमारे शोराए आफाक बिहाड़ी से, मीडियम फास्ट बॉलर बल्कि फास्ट बॉलर वकार यूनुस, उनके छोटे भाई हैं, कमेंटेटर हैं, उर्दू की कमेंट्री करते हैं नेशनल हुकअप पे, और उनके साथ अली यूनुस के साथ इनकी मंगनी हुई है, और जल्द ही वो शादी में के बंधन में बंधने वाले। तो ये जनाब आज की हमारी स्टोरी थी, आज का हमारा प्रोग्राम था, और अगले प्रोग्राम तक के लिए इन नए ख्वाहिशात के साथ कि पाकिस्तान की टीम चाहे ख़वातीन की है चाहे मर्दों की है,
ये अपने अपने मैदान में अपने अपने जो उनका मद्द मुकाबिल है उसके खिलाफ कामयाबी हासिल करें। मुझे दीजिए अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।